वेलकम फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिलिप्स के 2 स्लाइस पॉपअप टोस्टर के बारे में अनबॉक्सिंग करके दिखाया था। उसके फीचर्स क्या हैं, उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या हमें सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए उसे यूज़ करते वक्त, इसके बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसे यूज़ करते हुए दिखाऊँगी। हमें इसे 7 दिन हो गए हैं यूज़ करते हुए, तो इसलिए मैं अपने जो रिव्यूज़ हैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब मैं आपको एक्चुअली में कैसे इसमें ब्रेड टोस्ट करते हैं वो करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका 3-पॉइंट प्लग है। अब मैं आपको ये प्लग लगा के दिखाती हूँ। ये हमने यहाँ पे प्लग लगाया और इसे ऑन कर दिया। अब ये मैंने दो स्लाइस ब्रेड के लिए ये मैंने एक इसमें डाल दिया, एक इसमें डाल दिया। अब जो भी सेटिंग्स हैं अब हम अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसे सेट करेंगे। मैं इसे अभी 3 पे सेट कर रही हूँ और मैंने इसका इसे प्रेस कर दिया है और ये हमारी सेटिंग हो गई है। अब जैसे ही ये सेटिंग के अकॉर्डिंग जब हमारी ये ब्रेड टोस्ट हो जाएगी तो पॉप अप हो जाएगी, अपने आप ऊपर आ जाएगी, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं साथ में इस टाइम जब तक ब्रेड टोस्ट होती है मैं आपको ये बताऊँ कि इसमें एक स्टॉप बटन भी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्टॉप बटन है। आप इस बटन को प्रेस करके कभी भी आप इसे बंद कर सकते हैं, टोस्टर को बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। इसके ऊपर एक ट्रे भी आती है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि ये इसका एक कवर है, लेड है। इसको जब भी, अभी तो ये टोस्टर गर्म है, जब भी वो ठंडा हो जाए उसको आप जब भी इसे रख दें, इसे लेड लगा के रखिए। इससे क्या होगा कि कोई भी डस्ट वगैरह, इंसेक्ट्स, कीड़ा वगैरह इसके अंदर घुसेगा नहीं है। ये पूरी तरह से हमारा जो टोस्टर है वो हाइजीनिक रहेगा, साफ रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो रेड रेड आपको दिखाई दे रही होगी ग्रिल्स हैं वो गर्म हो गई हैं और हीट प्रोड्यूस हो रही है और हमारी जो ब्रेड है वो टोस्ट होने शुरू हो गई है। जब हो जाएंगी तो ये अपने आप पॉपअप हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके यहाँ पे सीधा इसके ऊपर खड़े होकर देखने की, नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमारी सेटिंग के अकॉर्डिंग ब्रेड टोस्ट होगी ये अपने आप ऊपर आ जाएगी। देखिए फ्रेंड, जब तक हमारी ब्रेड टोस्ट होती है मैं इसके और फीचर्स आपको बता देती हूँ। इसमें एक ऑटो स्टॉप का फीचर है, आप स्टॉप बटन दबा के इसे कभी भी बंद कर सकते हैं। ये 830 वॉट का है। सारे के सारे जो भी फीचर्स हैं इस बॉक्स पे मेंशन है। इसका डिज़ाइन बहुत कॉम्पैक्ट है। इसके साथ एक बर्न वार्मिंग रैक भी आता है, अभी मैं आपको शो करूँगी। उसके ऊपर रख के आप जो भी बर्न है, पेस्ट पैटीज वगैरह होती हैं, बर्न्स होती है, रोल्स वगैरह वो गर्म कर सकते हैं। इसमें एक डीप फ्रॉस्ट और रीहीट का भी फीचर होता है कि अगर आपकी कोई ब्रेड है, आपने करी है, टोस्ट करी है, अगर आप उसको दोबारा हीट करना चाहते हैं तो वो भी इसमें कर सकते हैं। डीप फ्रॉस्ट के बटन से क्या होता है कि अगर जैसी ब्रेड है जिसे हमने फ्रीज कर रखा है, फ्रोजन ब्रेड है, उसको भी आप डीप फ्रॉस्ट कर सकते हैं इस टोस्टर का यूज़ करके। इसमें हाई लिफ्ट फंक्शन भी है। हाई लिफ्ट फंक्शन क्या है कि ये जो अभी मैं आपको बताऊंगी, इस बटन को हम ऊपर तक कर देंगे, उससे क्या होगा कि अगर कोई स्मॉलर पीसेस भी होंगे ब्रेड के वो भी ऊपर आ जाएंगे। इसमें 8 सेटिंग्स आती है, यानी 1 से लेकर 8 तक की सेटिंग्स आती हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ये भी चीज़ है कि ये इसमें 2 साल की वारंटी के साथ ये प्रोडक्ट आता है। बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। इसके नीचे जो एक रिमूवेबल क्रम ट्रे भी है वो मैं भी आपको रिमूव करके दिखाऊंगी। उसमें क्या होता है कि जो ब्रेड के क्रम्स होते हैं, छोटे छोटे पीसीज होते हैं ना, वो वहाँ पे आ जाते हैं और आप उसको निकाल के इजीली उसे क्लीन कर सकते हैं। पहले जो टोस्टर्स आते हैं आपने लोगों को देखा होगा, टोस्टर्स को पलट पलट के लोग उसे, उसमें जो ब्रेड के पीसीज रह जाते हैं उनको क्लीन करने के लिए टोस्टर को उल्टा कर करके उसे झाड़ते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे एक ट्रे होती है, वो रिमूव हो जाती है और उसको यूज़ करके उसे निकाल के आप इसे क्लीन कर सकते हैं। इसमें इसकी जो ये बॉडी जो है ना, ये प्लास्टिक की है। आप देखिए टोस्टर ऑन है और मैं इसे छू रही हूँ और ये मुझे गर्म नहीं लगी, हल्की गर्म हो रही है, लेकिन अगर बाय चांस टच कर लो आप इसे तो आपका हाथ जलेगा नहीं है, हीट रेजिस्टेंट है, आप इसे टच कर सकते हो, आप इसे उठा सकते हो। तो ये कम्प्लीटली सेफ़ प्रोडक्ट है। घर में जो अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं, 15-16 साल का बच्चा है, वो भी इसे आसानी से हैंडल कर सकता है, इसमें ब्रेड टोस्ट कर सकता है और उसे खा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ब्रेड टोस्ट हो गई है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी टोस्ट हुई है हमारी ये ब्रेड, दोनों साइड से इक्वली रोस्ट टोस्ट हुई हैं। और बस आप इस पर बटर लगाइए और आपका टोस्ट तैयार है, या ऑमलेट के साथ खाइए, ब्रेड बटर खाइए, किसी भी तरीके से आप इसे खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप आपको
ये पसंद आया होगा व्यू। अब टोस्ट हो जाने के बाद सबसे पहले आप ये स्विच ऑफ कीजिए और मैं आपको ये ट्रे, रिमूवेबल ट्रे जो है क्रम्ब ट्रे, वो निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं ब्रेड क्रम्स इस पर सेटल हो गए हैं। अब आप इसको झाड़ के, कहीं पे भी झाड़ के इसे क्लीन कर दीजिए और आपकी ट्रे क्लीन है और आप इसको वापस इसे इजीली सेट कर, ये सेट हो गया। बहुत ही आसान है इसे यूज़ करना, इजी टू यूज़ है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, कम्प्लीटली सेफ है। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर इसके बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से क्लिक करके खरीद सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।